संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला को अपहरण कर उत्तराखंड में बेचने की योजना बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला रजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक महिला का आरोप है कि वह पैदल अपने गांव जा रही थी। तभी गांव के ही कुछ लोग कार लेकर आए और बहला फुसलाकर कार में बैठा लिया, जिसके बाद रिश्ते के चाचा ने उसके मुंह पर रूमाल लगाकर बेहोश कर दिया और उसे उत्तराखंड के काशीपुर ले गए, जहां से पीड़िता को रुड़की के मक्खन नगर ले जाया गया और वहां 3 दिनों तक बंद कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उसके साथ अश्लील हरकतें भी की गईं। महिला का आरोप है कि वहां उसे बेचने के लिए एक शख्स से बातचीत भी की गई। इस बीच पीड़िता एक व्यक्ति की सहायता से वहां से निकलने में कामयाब हो सकी, जिसके बाद वह रजपुरा थाने में शिकायत लेकर गई तो पुलिस ने उसे वहां से भगा दिया। आखिर में पीड़िता ने SP संभल से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पहलवान से बहुत दवा लेने जा रही, तो मतलब इन लोगों ने 4 पहिया की गाड़ी लगाई मेरे पर, उसमें आके कौन लोग थे? रामनिवास नरेश छोटेलाल उदयवी। तो ये बोले कि लल्ली कहाँ आ रही है, मेरी पहचान करके बोले कहाँ आ रही है। तो मैं चाचा दवा लेने जा रही हूँ बकरूली, तो गाड़ी में बैठ ला। तो मैंने कि चाचा मैं तो पैदल चली आऊँगी, तो ना बैठ ला हम बकरूली उतार देंगे। तो मैं बैठ गई वहाँ में, तो मेरे चाचा ने रूमान से मुँह पहुँच देंगे। मुँह पहुँचने के बाद नशा है वो, नशा होने के बाद में जो लोग मित्र बाजपुर ले जाकर बंद कर दी। तो मैं तब होश आऊँ, तो मैंने कहा चाचा ये मेरे संग तुम क्या कर रहे हो। उधर भी मेरे साथ मतलब पास पहुँच गए। पास पहुँचने के बाद मैं गंत कर्म करने लगे जबरदस्ती मेरी। चाचा आपका सगा चाचा है? नहीं, पड़ोसी है मेरे। फिर क्या हुआ? तो मतलब बोले कि मुझको रहेगी तू। तो मैंने कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर वाले मुझे ढूंढने होंगे, मेरे घर छोड़ दो मुझे। मैं रोने लगी, तो उससे बोले कि तुझे भी मार दूंगा, तेरे लड़के को मार दूंगा, दोनों को मार दूंगा, तेरे घर वालों को ना दूंगा जितना। तो मैंने ऐसे कही, तो मित्रियन पे वहाँ ले पहुँचे, वहाँ पर कहा हरी रुड़की में नंगर पत्ता मक्खनपुर में मित्र ले जाकर 3 मंजिल पर बंद कर दी। बंद करने के बाद में वहाँ पर रखी, तो मेरे भैया के दोस्त रहे थे वहाँ पर। तो अब तक क्या कार्रवाई हुई आप? आपकी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं थाने भी बयान कर आई 2-2 बार और मतलब कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूर होके मैं यहाँ, तब का SP साहब के पास आई हूँ मैं मजबूर होके। क्या कह रही है SP साहब? SP साहब कह रहे हैं तुम्हारी कार्रवाई हम करवा के रहेंगे। क्या मामला है? ये हमारी बहन है सर, इसकी पकड़ हो गई थी, किडनैप कर ली थी ये हमारे गाँव के लोगों ने, और इसकी थाने में कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूर होकर के SP साहब के पास यहाँ पेश करी है हमने ला करके। क्या कह दिया SP साहब ने? SP साहब ने ये कहा था कि तुम्हारा केस जरूरी सुनवाई करवाएंगे और मुकदमा दायर करवाएंगे इन लोगों के खिलाफ, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है।